सब अपने आप को बचा रहे थे, कोई देखे ना टीचर्स वगैरह। आज काफी लोग मिल गए हैं हम लोग को मीटिंग के। बना हुआ है ये सीप है। अब डालने वाली हूँ मैं आज सबसे महंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आशीर्वाद की वजह से। तो नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग होते ही साथ ना एक शियाप्पा हो चुका है हमारे साथ। वो शियाप्पा क्या हुआ है, हमें जाना था स्कूल मीटिंग में, और कंडीशन कुछ आपको दिखाते हैं। आइए क्या हुआ है। स्कूल जाना था मीटिंग में, और जिसकी मीटिंग थी वो एकदम शूटिंग के लिए तैयार हो चुका। मेरे बेटे की एक आँख ना थोड़ा सा आई ब्लू हो गया, हल्का सा, हल्की सी रेड है अभी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स आ चुके हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको दिखा सकता हूँ? नहीं नहीं, अरे फ्रेंड्स को फोन से कौन सा फोन ना फैल जाएगा फ्रेंड्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर उनको भी हो गया तो फोन जला सो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स आ चुके हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों बाद मैं भी कहीं हीरोइन ना बन जाऊँ अपने बेटे की तरह। मेरा बेटा तो हीरो बन चुका है, तो क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ा एकदम हो जाती हैं एक दूसरे को, तो अब साथ में रहते हैं तो होगा ही होगा। तो सिक्योरिटी के लिए हमने आँखों में काला चश्मा लगा दिया है, अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। और मीटिंग में जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी है, आज कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब आज तो ले जाती हूँ मैं इसको एकदम गॉगल्स लगा के, देखते हैं, टीचर्स से पता करना पड़ेगा कि स्कूल आ सकता है कि नहीं। हम जा रहे हैं मीटिंग में, तो चलिए मीटिंग से आने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। हीरो को जरा स्कूल घुमा के लाए हम अपने ही। देखिए हो चुकी हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए मीटिंग के लिए, तो चलिए मीटिंग से होकर आते हैं, और हो सकेगा तो थोड़ा बहुत आपको अपने बेटे का स्कूल भी दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं मीटिंग में। आज व्लॉगिंग बन रही है। स्कूल में ही आज स्टार्ट हो गए हैं, कोई देखे ना टीचर्स वगैरह। आज काफ़ी लोग मिल गए हैं हम लोग को मीटिंग के दौरान, सभी लोग मिल गए, माने अड़ोसी पड़ोसी अलग अलग गलियों के, एक गली के ये है, सामने वाली गली एक गली के ये हो गए, तो सबके बच्चे वही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ ना कैमरे भी लगे हुए, अभी मेरे को डर भी लग रही है, कैमरा भी लगा है, मेरे से बड़ा कैमरा उधर लगा है स्कूल टीचर वालों का, पता चल रहा अगले दिन धैर्य को कह रहे हैं आपकी मम्मी ये फोन उठा के कहाँ को जा रही थी क्या। चलिए आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा स्कूल। ये देखिए ये बच्चे, और यहाँ कटिंग देखिए जरा फ्लावर्स पेड़ों की। ये देखिए यहाँ से एंट्री का है, आपको एक कटिंग दिखाती हूँ मैं अभी। इस पेड़ की कटिंग ना ऐसे करीबी जैसे डॉग या तो पेड़ में लगा है ना, बोलूं डॉगी तो ये देखिए ये जो ये बना हुआ है, हाँ डॉग नहीं है ये शीप है, शीप है, शीप दिख रही तुझे। और तो काफी अच्छा है यहाँ पे, देखिए मेरे इधर बैक साइड देखिए अच्छा है, एंट्री यहीं से होती है, उधर से छोटे बच्चों की होती है, इधर से बड़े बच्चों की, बड़ी क्लास इनके है वहाँ पर, तो आर्मी कैंटीन है वहाँ पे, ये कैंटीन तो है सही है, हम यहीं तो आते हैं। अच्छा अच्छा ये आर्मी कैंटीन भी है, हमारी कैंटीन है तुम्हारी नहीं, तुम क्या सोचते स्कूल की कैंटीन है, अरे हमारी नहीं है यार, स्कूल की बच्चों की नहीं करी हूँ। अच्छा वो अपनी सोच रहा है, पता चले बच्चे हमारी यहीं पर आर्मी कैंटीन भी है, खास करके पता चले धैर्य पैसे ला के कैंटीन थी हमारा स्कूल में बंद हो गई बस, ये तो अपनी कैंटीन का लगा रहता है। तभी तो मैं कहूँ कल 100 रुपए लाएगा बर्गर खाएगा कैंटीन। अच्छा यहाँ आते हो नॉर्मली हम ताऊजी से, ये हम बाहर निकल चुके हैं, ये देखिए किसी वो अच्छा ये लगाएंगे। तो जी मैं पहुंच चुकी हूं घर, और घर पहुंच के मैंने फटाफट बनाई दाल और चावल सब्जी, तो क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30, तो स्कूल से आते आते हो गया लेट, तो फटाफट बना रही हूं मैं खाना। और आज मैं ना डायरेक्ट दाल बना रही हूं, तो अरहर की दाल बना रही हूं मैं, और देखिए मैंने आज डायरेक्ट ही दाल बना दी,
डायरेक्ट छोंक दी क्योंकि टाइम कम था। तो देखिए बढ़िया टमाटर वमाटर डाल के अरहर की दाल हो रही है रेडी। यहाँ खाना खा के हस्बैंड भी जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे। और इधर तो देखो अरे देखा इन्हों नीचे कर ले, अरे इधर को देखो ना, अरे हीरो लग रहे हो यार सच में। शीशा तो उठाओ, बस शीशा तो उठाओ, थोड़ा सा शीशा उठाओ। सब अपने आप को बचा रहे हैं, देखिए चश्मा पहन पहन गए। हस्बैंड जी ने ना पहले ही चश्मा पहन लिया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनके फार्म में भी ना कई लोगों को हो रखा है आई फ्लू। और जरूर हो रखा है, मेरे डर से पापा इतना वो कर सकते हैं ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी मैंने घर के लिए ना अपना चश्मा उतार लिया है, क्योंकि मेरे सर ने बताया कि देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। और अभी मेरी आँख थोड़ी देखो अभी लाल हो रही है, हाँ ठीक हो जाएगी देखिए। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है मुझे भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिल्कुल। और एक आँख सबको हो रहा है, एक आँख छोटी हो रही है, एक आँख बड़ी हो रही है। और पता है अभी इसने क्या करा, हम स्कूल से आए, मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाई, पर इसने देखिए आज इसको बहाना मिल गया, क्योंकि आज आई फ्लू आया भाई आँखों में। तो बच्चे को जो मन करेगा वो खाने को चाहिए, बच्चे होते नहीं जब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है उनको उनकी पसंद की चीज़ चाहिए होती है। मैं हूँ 12 साल का, और अभी बचपन से अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे को आई फ्लू हुआ है, पहली बार हुआ है, और बहुत दर्द हो रहा है। अभी पापा लाए थे, अभी पापा ड्रॉप लाए थे, मैंने अपनी आँख में डाली और थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा, दर्द और हो। सोच रही हूँ कि पहले ही डाल लूँ अपनी आँखों में, ताकि यही दवाई आई ड्रॉप। हाँ आ गई। मैं सोच रही हूँ पहले ही डाल लेती हूँ, ताकि उल्टा असर पड़ जाएगा, आई फ्लू नहीं होगा। उल्टा असर पड़ जाता है, नहीं इफेक्ट नहीं करता, कर देता है। मैं सोच रही हूँ पहले ही डाल दूँ ताकि मुझे ना वेस्ट मत करो, 100 रुपए की दवाई है वो। बाप रे 100 रुपए ज्यादा जरूरी है, मैं ज्यादा जरूरी हूँ 100 रुपए। क्योंकि आपको हुआ थोड़ा ना आई फ्लू, आई फ्लू हुआ है फ्रेंड्स, चाहूँ तो मैं पूरी डाल सकता हूँ, पकौड़ ले आएंगे। तो चलिए खा रहा है, और मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम फ्रेंड्स एक चीज दिखाओ, ये देखिए मम्मी को भी दे रखी है मैंने, और मम्मी ही मजाक कर रही है। तो फ्रेंड्स दिन में खाना खाने के बाद ना हम थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने, तो उठने के बाद अभी चाय पानी हो चुका है हमारा, और बेटा आज घर पे ही है, ट्यूशन भी नहीं गया क्योंकि बेटे की आंख में हो रहा है आई फ्लू, और कह रहे हैं ये फैलता भी है काफ़ी। अब देखो मेरे हस्बैंड ने तो अभी से चश्मा लगा लिया, आपने देखा होगा क्योंकि उनके वहाँ भी किसी कईयों को हो रहा है। अभी चश्मा पहन के ही रख रही हूँ मैं, कह रही हूँ अगर मेरे हो गया ना तो तुम लोग को रोटी कौन बना के देगा, कि मुझे ऐसे करके देख के रोटी बनानी पड़ेगी। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और जलन हो रही है ना, जलन हो रही है, जलन भी हो रही है, अरे बार बार मत दिखाओ ना बेटा, जलन भी हो रही है काफ़ी। तो बस अभी इसे यहाँ लेटा रखा है दवाई डालने के बाद, और अब यहाँ का मौसम हो गया है अभी बारिश आने जैसा, तो मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, और मैं सोच रही हूँ टाइम से ही सब्जी बना ली जाए। और सब्जी किस चीज़ की बना रही हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ, आज मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा मैंने भिगा दिए थे, आलू कटिंग कर लिए हैं, और प्याज वगैरह मैं अभी चॉप करती हूँ इनको। और सबसे महंगी चीज़ ये देखिए छुपा रखी है मैंने, टमाटर। तो आज इसमें पड़ेंगे 2 टमाटर। तो जी 2 टमाटर डाल रही हूँ मैं आज राजमा में। तो जी 20 रुपए के टमाटर आज हम डालेंगे राजमा की सब्जी में। 10 का 1। हाँ 10 का 1 टमाटर है भाई, महंगे हो रखे हैं, क्या करें। 80 के 8 80 के 100 के 10 100 के 10 110 के 11। तो जी आज हम बना रहे हैं राजमा की सब्जी, और लाल लाल टमाटर, आजकल टमाटर जिसके पास है ना समझ लो क्या कहेंगे उसके, टमाटर भी ना सब्जियों का राजा ही है, जैसे आलू है सब्जियों का राजा, टमाटर के बिना स्वाद भी तो नहीं आता। तो आज टमाटर डाल के ये राजमा मैंने देखी भिगा रखी है, मैं बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं राजमा की सब्जी, और ये देखिए मेरा हीरो।
क्या करे, बोर हो रहा है, निकल नहीं सकते तो यहीं पर ऐसे किताब खोल रहा है ना तो आंखों से पानी टपक रहा है। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करते, क्या करे, वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, कौन सा टॉपिक कर लेंगे अब इतना पढ़ के। चलिए मैं बनाती हूँ राजमा की सब्जी और मैं ना डायरेक्ट छौंकती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ राजमा। चलिए बनाते हैं। तो जी राजमा की सब्जी में दो चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ, फर्स्ट है गरम मसाला और सेकंड है राजमा मसाला। तो इन दोनों से ही राजमा की सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो बाहर मौसम हो रहा है बारिश का, पर देखिए अंदर गर्मी कितनी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। डरे हीरो लग रहे हो आज तो आप। जीरे का तड़का लग चुका है, जीरे के ऊपर लगी है तड़का। अब डालने वाली हूँ मैं आज सबसे महंगी चीज टमाटर। टमाटर डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा टमाटर को तेल में मैश होने देंगे। सारे मसाले मैंने इसमें डाले हुए हैं, इन सबको भी डाल देंगे। खुशबू खुशबू जो है ना गरम मसाले से ज्यादा आती है। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी सा पानी डाल के पकने दूंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं मसाले कितने बढ़िया लग रहे हैं और कितने अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। ये देखिए बढ़िया तरीके से मसाले बन चुके हैं और टमाटर बढ़िया तरीके से हमें मैश करने हैं। इसमें मसाले जब पक जाएंगे तो राजमा और आलू इनको मैं डाल दूंगी। देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, ये देखिए जी सब्जी मैंने बना दी है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए, और गर्मी देखिए कितनी हो रही है और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रखा है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए, तो चलिए मैं भी जाती हूँ अब बाहर घूमने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत करते हैं हम भी बहुत आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो प्लीज़ आप लोग ही हमें आगे बढ़ाने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले। अगर आप लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके होता ही है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।